साहबान और पंडाल दे विच पहुंचे सारे जुझारू साथियों, सब तो पहला फतेह की सांझ पाउणा, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिवें तुसीं जानदे हो, पिछले समय दौरान जो जो घटनावां होईयां सारे वीर उस गल तो जाणू। मैं कदे सुनिया करदा सी भी जिहड़ी सरकार है इह सत्थां चों चलिया करूगी, पर मैनू तां इह विधानसभा च बह के भी नहीं चलदी दींदी। हर एक छोटी जी गल दा इह गुस्सा करदे ऐ। अज बेटे नूं संसार तों गिआ नूं 4.5 महीने हो गए ने, 4 महीने हो गए सानूं। हर संडे नूं तुहाडी हज़ारां दी गिनती च आवाम दा पहुँचना इहनां लई सरदर्दी बनिया होया। जे कोई सच दी गल करदा है वो इहनां दे अखां दे विच चुभदा है। यही गल मैं जे लखे वीर ते लावां, पिछले 5-7 दिन तो मैं सुन रहा सी पर सेहत नहीं अलाउ करती सी। अज भी धक्के नाल मैं कोशिश कीती है भी हाजरी लगनी बहुत जरूरी है। वीरो, हरेक चीज़ का हल परचा नहीं है, और लखा यहोजा किहड़ा काम करता भी जिहदे ते परचा दे दिता जाए। सो जदों तो मैं गल सुनी मन बड़ा दुखी होया। अज थोड़े विच आके मेरी मन नूं भी काफ़ी शांति मिली है। जे मैं अपनी गल करदा, एडी वड्डी समुची इंडस्ट्री कतल तो बाद बिल्कुल सुनसान छै करके बैठ गई, किसी नूं कोई फर्क नहीं पिया। जे बोलियां तां 2 कुड़ियां ने हिम्मत कीती बोलण दी, अरपिंदर हांडा बोली, एक कुड़ी जौनी जहल जौहल सॉरी नाम उहदा, उहने कोई गाणा वगैरह कल कोई यूट्यूब ते पाया। सवेर दा SSP उहनूं कुड़ी नूं धमकियां दे रहा, परचे दे दूंगा जे कर दूंगा, 6 महीने जमानत नहीं होनी, दसो भाई की गुनाह है। एक पासे तुसीं राइट टू स्पीच की गल करदे हो, दूजे पासे जे कोई अपने विचार ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੱਕ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਗਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇਵੇ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਚਿਆ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸੁੰਨੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਚੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੋ। ਵੀਰੋ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦੇਤਾ ਸੁੰਨੀਆਂ ਕੰਧਾਂ। यही चीज़ जेल दे विच है, उही मेरे घरे है। एक जवाक सी बेरहमी दे नाल तुसी मेथों खोलिया, हुण आ जनता मेरे मोढ़े नाल मोढ़ा ला के खड़ती है, सो उत्थों वह भी नहीं चलिया जाता। वीरो, एक साल दे विच मेरे बच्चे ने 24 करोड़ रुपया टैक्स भरिया सरकार नूं। जे एक भी गल इतों झूठी कह, एक एक शब्द का मैं जिम्मेवार होऊंगा। और 2-2 करोड़ रुपया टैक्स भर के मौत कहो जी मिलती है, जिहो जी जानवरों भी नहीं मिलती। और जे मैं गल करदा भी जिहड़े दरिंदे तुसीं जेलां दे विच बंद कीते ने, इन्हां दी पुश्त पनाही छड़ दिओ। मैं सारी फोर्स नूं माड़ी नहीं कहिंदा, हर एक डिपार्टमेंट दे विच बंदे चंगे भी हुंदे आ, बंदे माड़े भी हुंदे आ। पर जदों कुछ चहेते अफसर इन्हां बदमाशां दे मोढे ते हथ रख के फोटवां खिचाउंदे आ, सही पुछो कालजे नूं बट चढ़दा उदों कर जा। हुण भी वेख लो, फड़ने दूर दी गल आ, जिहड़े फड़े होए आ उह भी भजाई जांदे आ। इह कल्ला इक प्रतपाल नहीं, इह जिहियां कालियां भेडां डिपार्टमेंट दे विच बहुत ने होर भी, जिहड़ियां इन्हां दे नाल कारोबार करदियां, कोठियां ते कब्जे करदे आ। वीरो, यह जिहड़ा गठजोड़ हो गया, यह की सरकार नूं दिखाई नहीं दिंदा? इन्हां दे नाल समगलर भी रल गए। यह जिहड़ा कोई आवाज़ उठाउंदा है उहनूं बड़ी आसानी नाल मार दिता जांदा है। मैं लखे नूं भी कई बारी बेनती, मैं डरदा हुंदा एक बाप होण दे नाते, मेरा मन डोलदा है भी पुत मेरा कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। ध्यान रखी, सच बोलण वाले दा कम दीप तों चलिया। 6 महीनों के असी 3 दीप गुआ लिया है। की गल, जिहड़ा बच्चा भी
थोड़ी जी उच्ची गल कर लगता है उसका सिर कलम कर दिता जाता है और उस तो बाद कुल दुनिया का गुंडा लिया के पंजाब दे विच बाड़ता। जो गल सज़ा दी आउंदी है तो वह दिल्ली जाके सज़ा कट्टनी पसंद करता है। की गल है जे जे जुर्म पंजाब दे विच करदे हो तो पंजाब दे विच जेल कट्टण दे विच तुहानू की दिक्कत है। इत्थे इत्थों इत्थे कानून होर है, इत्थे अदालतां होर ने, यह गल आपां ध्यान दे विच रखनी है सारी। तो मैं लखे भीर नूं बेनती करदा वीर सच बोलदा है, सच बोलदा रहा, तेरे मोढ़े नाल मोढ़ा ला के खड़ांगे और सचेत जरूर रही, क्योंकि इन्हां दे बारे इन्हां दी नीयत बारे मैं कुछ नहीं कह सकता भी एक मिनट दे विच की कर देना। असी तीन चार नौजवान खोए ने, उन्हां दी भरपाई करनी बहुत औखी है, क्योंकि जदों नाम बनता है एक दो कमरियां दे मकान चों उठ के दुनिया के उत्ते बंदा झंडा लहराउंदा है। अज समुच 155 मुल्कां दे विच जे सिद्धू नूं लोक जाणदे है तां उहदी सख्त मेहनत दा नतीजा सी। और सानूं मिलिया कि असी देशां विदेशां दीआं लग्जरी सहूलतां छड्ड के असी अपने इलाके नूं चुणिया और इलाके दे विच सानूं कोह कोह के मार दित्ता गया। दसो साडा कसूर की सी? मैं जिद्दे संस्कार कीता सी वीरो, सिर तो पग ला के भी थोथों इह गल मंगी सी भी मैं एक 5-7 किले वाला जिमीदार, मेरे बच्चे ने पग दी लड़ाई लड़ी, धर्म दी लड़ाई लड़ी, थोड़ा खेती संघर्ष में योगदान पाया, जिनी योगे जिनी साड़ी औकात सी असी कित्थे नहीं खड़े, लोगों नाल नहीं खड़े, संघर्ष के बिच नहीं खड़े, पर सानू अज मिलिया थोड़ा प्यार है। मैं पग ला के थोड़े चरणों से रखी सी भी मैं थोड़ा मेरा परिवार थोड़ा हमेशा कारीदार रहूगा, तुसी दुख के समय से मेरे मोढ़े नाल मोढ़ा ला के खड़े, हमेशा तुहाडे चरणों च मेरा सिर निमदा रहेगा। बस इन्नियां बेनतियां थोड़े नाल करदा भी आ जिहड़े गभरू थोड़े कोले दो चार जवान हैगे इन्हां नूं सांभ के रखियो, बड़ियां घनौणियां चालां चलणगे, मैं भरोसा नहीं कर सकता भी इन्हां दा कोई नुकसान ना करन कल नूं। मैं भी कदे सुपने च नहीं सोचा सी भी मेरे नूं इस तरह मार दिता जाऊगा। गल्लां करदे आ असीं रंगले पंजाब दीआं, रंगला पंजाब कित्थे सी? जे मेरा पुत जवार के ना कल्ला जांदा ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 11 ਲਗਾੜੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਵੜ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਦੱਸੋ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੁਚੇਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਪੀੜੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, 10 ਬੰਦੇ ਤੜ ਤੜ ਕਰਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਘਰੇ ਵੜ ਜਾਣਗੇ, ਕੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਬਾਈ ਜੀ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ MLA ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 84 ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਓਏ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 84 ਵਰਗੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਕੱਢੋਗੇ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਵੀਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਗੁੱਝੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਹੁਣ 84 ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਉੱਜੜੇ ਨੇ ਵੀਰੋ, ਤਾਂ ਬਿਲਕਦੇ ਆ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਭਾਵੁਕ ਹੋਇਆ, ਵੱਧ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਸ਼ਬਦ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ